खेत में मिला बच्ची का मुंह बंधा शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पिता को खेत पर चाय देने गई थी। देवास के कांटाफोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदेल की घटना। बच्ची शुक्रवार से लापता थी। जिले के कांटाफोड़ थाना अंतर्गत एक करीब 10 वर्षीय बच्ची की लाश एक खेत में मिली है। बच्ची के मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ है। ये जो बच्ची के साथ घटना हुई है, ये आपकी है? हाँ। क्या नाम बच्ची का? रोशनी। अच्छा, ये कब की घटना है? परसों, मतलब ये शुक्रवार के 4 बजे के बाद की छुट्टी होने वाली। अच्छा, आपको किसने जानकारी दी कि यहाँ पे है ये लाश? अभी 2 भैया गए थे मेरे को लेने। अच्छा, कौन गए थे? ये सीताराम मरमट का गुड्डू गए थे, नीरज नाम है उसका। अच्छा, तो इनने क्या बताया आपको? यार भैया, तुम्हारी गुड़िया वहाँ मिल गई है इसके, कि वो मैं गए थे रात को देखने को घर पे, तो घर पे नहीं मिल पाई वो, मैं गया था। अच्छा, शुक्रवार की रात से ये घर पे नहीं थी, है ना? मतलब वो शुक्रवार को स्कूल गई रात को, तो वो शुक्रवार को रात को तो अपने कहीं यहीं पे खेत पे थी। अच्छा, खेत पे शुक्रवार रात को, शुक्रवार रात से कहीं गई? हाँ, गई कहीं नहीं, घर पे आई थी वो और स्कूल गई वो, स्कूल के बाद में चाय चक्कर लेके खेत पे जा रही थी वो। अच्छा अच्छा, फिर आप जब से क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो? हाँ। अच्छा, तब से ढूंढ रहे हो ना, और फिर आज आपको मैं जानकारी मिली? आज जानकारी मिली अभी सुबह। अच्छा, तो अभी क्या क्या हुआ उनके साथ? 9 बजे अभी क्या क्या हुआ उनके साथ? सर वो ये लाश पड़ी है, वही ध्यान है अपना को बस। अच्छा, मुंह पर कपड़ा बंधा है? हाँ, हाथ पैर बंधे हैं? हाँ, बंधा है ना, शरीर पे कपड़े नहीं है सर। के उपरांत इसमें और सारे तथ्य सामने आएंगे। घटना में संभावित है कि एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जी। इसमें सभी का सहयोग का अपेक्षित रहेगा, स्थानीय लोगों का सहयोग भी रहेगा जी। और हमारा प्रयास है जल्दी जल्दी ना सिर्फ आरोपियों को पकड़ा जा सके, बल्कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाई जा सके।